गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत शक्ति उत्पादन चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी एनुअल या सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम जो ये ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिए हुए हैं, ये आपके अरिहंत बुक से लिया गया है और हर संभव मेरा प्रयास रहेगा कि हम अरिहंत बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन करा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 20 तक का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, आज हम 21 से ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 को जानिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्न में किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। निम्न में किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है, यानी कौन सा ऊर्जा का स्रोत है या कौन सा ऊर्जा स्रोत है जिसमें क्या होता है, ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है, यानी ईंधन को लाने में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता है। तो वो मेरा होता है हाइड्रोलिक ऊर्जा स्रोत। वो हमारे लिए होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऊर्जा स्रोत। जो पनबिजली आप नाम सुने होंगे, जो पानी से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का ईंधन परिवहन मूल नहीं होता है, यानी उसमें ईंधन परिवहन मूल आपका क्या होगा, शून्य होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी या नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है, तो जल मार्ग का नाम होता है, जल मार्ग का क्या नाम देते हैं। जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी नहर वो जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है, तो जल मार्ग का नाम बताइए। तो उस जल मार्ग का क्या नाम देते हैं, तो उस जल मार्ग का नाम होता है पेन स्टॉक। ठीक है, जो ढालू सुरंग होगा उसको हम पेन स्टॉक के थ्रू जल टरबाइन पे डालते हैं। जो जल टरबाइन पे हम लोग प्रदान करते हैं जल, कहाँ, ढालू सुरंग के द्वारा, तो ये आपका क्या है, मान लीजिए नदी नहर, ये नहर है और यहाँ से जो ढालू सुरंग के द्वारा जो हम जल टरबाइन पे डाल रहे हैं, ये तो इसका नाम पूछ रहा है, ये मेरा क्या है, पेन स्टॉक है, तो वो हमारा क्या होता है, पेन स्टॉक होता है। चलिए उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करा, जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र वो जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र वह उत्पादन केंद्र है जिसमें उच्च निवेश लागत व निम्न डैश प्रचालनीय लागत आती है। देखिए जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र वह उत्पादन केंद्र है जिसमें उच्च निवेश लागत, यानी हम उसको बनाने में जो है ना हमको बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जबकि डैश निम्न प्रचालनीय लागत रहता है। तो मिल निम्न प्रचालनीय लागत के अंतर्गत आता है आपका पीक में, तो वो सॉरी उसमें आपका आएगा कि बेस लोड प्रचालनीय लागत होता है। निवेश उसका जो है ना लागत क्या होगा, उच्च निवेश लागत होगा एवं निम्न बेस लोड स्टेशन प्रचालनीय लागत होता है। अगर हम उसको बेस लोड पे चलाएंगे तो निम्न उसका बेस लोड स्टेशन प्रचालनीय लागत होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
यानी आप जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र को क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट है हम उसको बेस लोड और पीक लोड पे भी चला सकते हैं, लेकिन इसके स्थापना में यानी इसको हम बनाने में जो है हाइड्रो पावर प्लांट को इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको और इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगा जबकि निम्न पर्चानीय लागत आती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल विद्युत शक्ति केंद्र में सर्ज टैंक किसके पास स्थित होता है। देखिए सर्ज टैंक की बात कर रही है कि सर्ज टैंक हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो सर्ज टैंक जो हम लोग लगाते हैं वो टरबाइन के पास लगाते हैं। सर्ज टैंक जो होता है वो टरबाइन के पास लगा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति कितनी वोल्टता पर उत्पन्न की जाती है। सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति कितनी वोल्टता पर उत्पन्न की जाती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो कितनी वोल्टता पर सामान्य आकार के तापीय शक्ति की पूछ रहा है, तो हम लोग 50 किलो वोल्ट पर करते हैं, 50 किलो वोल्ट पर करते हैं सामान्य आकार के तापीय, तापीय मतलब हो गया थर्मल पावर में कितनी वोल्टता पर उत्पन्न करते हैं, तो 50 किलो वोल्ट पर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चारकोल एक ईंधन है, चारकोल एक ईंधन है, तो चारकोल एक कैसा ईंधन है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो चारकोल आपका एक ठोस ईंधन के अंतर्गत जो आता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लिग्नाइट का उपयोग किसे गर्म करने में किया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग किसे गर्म करने में किया जाता है, हम लोग लिग्नाइट का जो उपयोग करते हैं वो किसको गर्म करने के लिए हम लोग करते हैं, तो लिग्नाइट का उपयोग हम लोग बॉयलर को गर्म करने के लिए करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चारकोल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। चारकोल का जो हम लोग निर्माण करते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो चारकोल का जो हम लोग निर्माण करते हैं आंशिक दहन प्रक्रिया द्वारा, चारकोल का जो निर्माण किया जाता है वो आंशिक दहन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा, सब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा क्या होता है, मुलायम होता है, भंगुर होता है, कठोर होता है, परिवर्तनीय होता है। सब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा क्या होता है, ये क्या होता है आपका कठोर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। सब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा कठोर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संयंत्र में भंडारण से बॉयलर तक कोयला द्वारा ले जाया जाता है। संयंत्र में भंडारण से बॉयलर तक कोयला ले जाते हैं, किसके द्वारा हम ले जाते हैं, बाल्टियों द्वारा, वी बेल्ट द्वारा, ट्रॉली द्वारा, किसके द्वारा ले जाया जाता है, यानी भंडारण से हम बॉयलर तक कोयला ले जाएंगे तो उसके लिए हम वी बेल्ट का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पल्वराइज्ड कोयला निम्नलिखित में कौन सा होता है, पल्वराइज्ड कोयला निम्नलिखित में से कौन सा होता है, पल्वराइज्ड कोयला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन होता है, तो पल्वराइज्ड कोयला होता है छोटे छोटे कणों को टूटा हुआ कोयला, छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ। पल्वराइज्ड कोयला का अर्थ होता है जब कोई भी कोयला को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो पल्वराइज्ड कोयला कहलाता है, छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला उसी को हम लोग कहते हैं पल्वराइज कोयला, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन को समझिए, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलोरी किसका मात्रक है, तो
कैलोरी किसका मात्रक है आपको पूछा जा रहा है, तो कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल होता है, ये याद रखिएगा, 4.2 जूल होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है, कौन सा, निम्न में किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है, तो निम्न में किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है, तो सर्वाधिक में आपका कोयला होता है, कोयला आधारित शक्ति संयंत्र का प्रयोग जो है सर्वाधिक हो रहा है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक संयंत्र किस क्षमता में बनाए जाते हैं, यानी जो सामान्यतः पूछ रहा है, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक संयंत्र किस क्षमता में बनाए जाते हैं, तो किस क्षमता में बनाए जाते हैं, तो ये बनाया जाता है 0.5 से 100 किलोवोल्ट, 0.5 से 100 KVA का बनाया जाता है। इसी सामान्य रूप में जो है ना, इसी क्षमता के हम लोग बनाते हैं डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र। चलिए उसके बाद चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का जो हम लोग प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो ग्रेफाइट का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं मंदक के रूप में, ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग करते हैं मंदक के रूप में, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम कितने किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा देगा, 1 किलोग्राम जो है ना आप प्राकृतिक यूरेनियम लीजिए, यानी 1 किलोग्राम आप यूरेनियम को जलाइए, वो कितने किलोग्राम कोयला के बराबर ऊर्जा देगा इसके बारे में पूछ रहा है, तो वो आपको देता है 10,000 किलोग्राम कोयला, यानी आप 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाइएगा और 10,000 किलोग्राम कोयला जलाइएगा, उसके बराबर उसमें ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी ये याद रखिएगा, ये 37 नंबर क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में परावर्तक किस धातु के बनाए जाते हैं, परमाणु रिएक्टर में परावर्तक के बारे में पूछ रहा है कि परावर्तक हम लोग किसका, यानी किस धातु के बनाते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में जो परावर्तक होता है वो परावर्तक हम लोग जो बनाते हैं, परावर्तक बनाया जाता है बेरिलियम का, परावर्तक बेरिलियम का बनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में 2 कथन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा, पहले आप इसको समझिए। कथन एक कह रहा है परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन की बौछार से बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है या 2 छोटे छोटे नाभिक को विभाजित किया जाता है। देखिएगा ये 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन की बौछार से, बात सही है कि परमाणु विखंडन में हम लोग न्यूट्रॉन की बौछार से बड़े नाभिक को तोड़ते हैं या 2 छोटे नाभिक को विभाजित किया जाता है, 2 छोटे नाभिक को, परमाणु विखंडन है तो यहाँ विभाजित ही होगा, तोड़ना या विभाजित होना, बात सही है, कथन एक सही है। दूसरा कह रहा है परमाणु संलयन में 2 छोटे नाभिक को आपस में जोड़कर भारी नाभिक का निर्माण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये भी सही है कि संलयन में क्या करते हैं, 2 छोटा नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाता है, जबकि परमाणु विखंडन में हम न्यूट्रॉन से बमबार्ड कराते हैं और एक भारी नाभिक क्या होता है, टूट करके
दो नाभिक में विखंडित हो जाता है। तो ये दोनों कथन क्या है सही है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। चलिए इसका ऑप्शन देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे है, यानी ये दोनों कथन क्या, कथन वन और कथन दो, कथन एक और कथन दो ना सही है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इसमें। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन में, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका एक तरफ सूची है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन में एक सूची है और दूसरा दो दो सूची है, एक तरफ सूची वन और दूसरे तरफ सूची टू दिया हुआ, और इसको मिलान करना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है 40 नंबर में, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, मिलान करना है। सूची एक है और ये सूची दो है, इससे मिलान करना। तो बोला है, बोल रहा है पहला में शीतक पदार्थ है, यानी शीतक पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो यानी कूलेंट पदार्थ के रूप में, कूलेंट सब्सटेंस के रूप में हम लोग सोडियम या लिथियम का उपयोग करते हैं। फिर मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। नियंत्रक क्षण अवयव, नियंत्रक क्षण अवयव का प्रयोग हम लोग जो करते हैं, नियंत्रक कंट्रोल के लिए हम लोग कैडमियम रॉड का उपयोग करते हैं। और रिएक्टर संरचना जो होता है, रिएक्टर संरचना एल्युमिनियम का बना रहता है। ये देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि ठंडा रखने के लिए शीतक पदार्थ, तो शीतक पदार्थ में हम लोग सोडियम या लिथियम लेते हैं। फिर मंदक का है, यानी जो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। फिर देखिए नियंत्रक क्षण है, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए हम लोग कैडमियम क्षण का उपयोग करते हैं। और रिएक्टर संरचना जो होता है, वो रिएक्टर संरचना एल्युमिनियम का बना होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर देखिए ये डी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है 40 का। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, वो शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू क्लास।